अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने 21 जुलाई को पूछताछ के लिए तलब किया है। ये पूछताछ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जानी है। इसके पहले इस मामले में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं से पूछताछ हो चुकी है। इस नोटिस की गूंज 18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में भी सुनाई पड़ सकती है और ये नोटिस एक बार फिर राजनीतिक बवाल खड़ा कर सकता है। इसके पहले भी सोनिया गांधी को पूछताछ का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस समय उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने ईडी से 4 सप्ताह का समय मांगा था। 4 सप्ताह की अवधि 21 जुलाई को समाप्त हो रही थी, लिहाजा ईडी ने उन्हें 21 जुलाई को पेश होने का नोटिस जारी किया है।